आज की रेमेडी अगर आप अपने बालों पर ट्राई करेंगे तो आपके बालों की ग्रोथ 100% होगी, बालों का झड़ना कम हो जाएगा और बालों में बहुत ही अच्छा सा हेवीनेस आ जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ऐसे रेमेडी आपसे शेयर करने वाली हूँ जिसे यूज करके आप फ्रेंड्स अपने कैसे बालों आप सभी की मोटाई को आप बढ़ा सभी अच्छे होंगे, बालों को काला बना सकते हैं और बालों को बहुत ही ज्यादा आज का ये वीडियो बालों से संबंधित है। बालों की लंबाई अगर बालों में तरह तरह के प्रॉब्लम आ रखे हैं और उसका बालों की लंबाई को बढ़ा है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत ज्यादा हो रहा है वीडियो पर आए बालों का झड़ना भी अपने के बाद आपको कहीं भी जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में रेमेडी को एक बार लगा लीजिएगा, उसके बाद हेयर वॉश कर लीजिएगा लगभग 45 मिनट के बाद, हमारे फिर आप देखेंगे कि बालों का झड़ना बहुत ज्यादा कम हो गया है, बालों में अच्छा सा ग्रोथ भी आ रहा है, जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा तो आप बालों में अच्छा ध्यान से देने भी आ जाएगा और बालों की लंबाई बहुत तेजी से बढ़ेगी। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज्यादा पावरफुल रेमेडी आपको मैं बना करके बताने वाली हूँ, तो आप इसे प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि इसे कब कब लगाना है, किन किन लोगों को लगाना है, किन किन लोगों को नहीं लगाना है, सारी चीजों पर हम बात करेंगे। अगर आपको तेल लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो आप इस रेमेडी को जरूर यूज कीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा झड़ते बालों को रोकने में और बालों की लंबाई को बढ़ाने में। ठीक है फ्रेंड्स, बालों में अच्छा सा हेवीनेस को ऐड करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा प्याज। आपके पास जो भी प्याज अवेलेबल है वो आप यूज कर सकते हैं और अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग आपको प्याज का क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे बालों की लंबाई कमर तक है इसलिए मैं यहाँ पर 3 प्याज का यूज कर रही हूँ, उसमें से 3 प्याज मैं पूरा यूज नहीं करूंगी, मैं सिर्फ 2 ही प्याज मेरे लिए सफिशियंट हो जाते हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ 2 प्याज को अच्छे से काट लूंगी छोटे छोटे टुकड़ों में। प्याज में बहुत सारे सल्फर का मात्रा होता है एंड ये सल्फर हमारे बालों की लंबाई को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं एंड ये हमारे हेयर फॉल को कम करते हैं, बालों के रीग्रोथ में ये बहुत ज्यादा मदद करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीनों चीज अगर हमारे सॉल्व हो गए, बालों का झड़ना बिल्कुल कम हो जाए, बालों की लंबाई बढ़ जाए और स्कैल्प पर नए नए बाल उगना शुरू हो जाए तो फिर हमें और क्या चाहिए, और एक बालों में स्मूथनेस हमें चाहिए होता है और बालों में चमक चाहिए होती है ना, तो उसके लिए भी हम और एक दो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर ऐड करेंगे जो हमारे बालों में स्मूथनेस लाने का काम करेगा, बालों में चमक लाने का भी काम करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है एंड उसके बाद आपको इसे मिक्सी के जार में डालना है, फिर इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, ठीक है, इसे हम डाइल्यूट करके नहीं तैयार करेंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बहुत ही ज्यादा पावरफुल रेमेडी तैयार कर रहे हैं इसलिए एक्स्ट्रा पानी ऐड करने का कोई जरूरत नहीं है, प्याज में पहले से ही पानी मौजूद होते हैं तो जिसके मदद से ये बहुत ही आसानी से पिस जाएगा। पीसने के बाद आपको इसका जूस निकाल लेना है, प्याज का रस हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा कारगर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे आपको अपने लेंथ पर अप्लाई नहीं करना होता है, सिर्फ इसे बालों के जड़ों में अगर आप लगा लेते हैं तो हेयर फॉल बिल्कुल भी रुक जाता है, बाल एकदम ही नहीं झड़ते हैं। तो फ्रेंड्स इसका लगभग 1 से 2 चम्मच के करीब प्याज का रस निकाल लीजिएगा, ठीक है, इतना काफी है, चाहे जितने भी ज्यादा आपके बाल हैं तो 1 से 2 चम्मच अगर आपके पास रहेंगे प्याज का जूस, प्याज का रस, तो इतना काफी हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर अगला इंग्रेडिएंट ऐड करना होगा, हनी। हनी हमारे बालों को स्मूथ बनाने के लिए, शाइनी बनाने के लिए बहुत ज्यादा मददगार होता है। प्याज के रस में ये थोड़ा सा डीमेरिट है कि ये हमारे बालों को थोड़ा सा ड्राई बना देता है, तो इस ड्राइनेस को खत्म करने के लिए हम यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच के करीब हनी। मैंने यहाँ 2 चम्मच प्याज का रस लिया है तो उसमें से 1 चम्मच हनी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग आप इसका मात्रा घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। अब इन दोनों चीजों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। हनी हमारे बालों को लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखने का काम करता है। अगर हमारे बाल में हाइड्रेशन लंबे समय तक रहेंगे, हमारे स्कैल्प पर हाइड्रेशन रहेगा तो हमारे बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ेंगे और बालों की लंबाई को ये बहुत तेजी से बढ़ाने का भी काम करता है। अब हम यहाँ पर इसका पीएच लेवल को बैलेंस करने के लिए ऐड करेंगे गुलाब जल। रोज वाटर हम यहाँ पर 1 चम्मच के करीब डाल देंगे, इससे हमारे स्कैल्प पर पीएच लेवल बैलेंस रहेगा, हमारे बालों का पीएच लेवल बैलेंस रहेगा तो हमारे बालों में ड्राइनेस का भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, दो मुहे बालों का जो प्रॉब्लम आ जाता है वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। जो दो मुहे बालों का प्रॉब्लम्स आ चुके हैं उसे आपको ट्रिम करना ही पड़ेगा, बाकी फ्यूचर में कभी भी आपको दो मुहे बालों का प्रॉब्लम्स नहीं झेलने पड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 चम्मच यहाँ पर रोज वाटर ऐड करने के बाद इन तीनों चीजों को आपको अच्छे से मिक्स कर देना है। ये तीनों ही चीज, ऑनियन जूस, हनी एंड रोज वाटर, ये तीनों का कॉम्बिनेशन हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा
कारगर होता है। हमारी चोटी को मोटी बनाने में ये बहुत ज्यादा मदद करती है। स्कैल्प पर नए बालों को उगाने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जाइए फिर इसे आप यूज कीजिए एंड अपने घर पर जरूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। बालों से संबंधित सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो इस सीरम को आपको स्कैल्प पर अच्छे से अप्लाई कर लेना है, हेयर लेंथ पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, सिर्फ बालों की जड़ों में आप इसे अप्लाई कीजिए, फिर कम से कम 45 मिनट के बाद हेयर वॉश कर लीजिए। उससे ज्यादा आपको रखने का जरूरत नहीं है। 45 मिनट अगर आप रख लेते हैं तो इतना सफिशियंट है, बालों में सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे जिससे आपके बालों में बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस आपको नजर आने लगेंगे। बाल बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे, स्मूथ भी हो जाएंगे और बालों की लंबाई समय के साथ साथ बहुत तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। बालों में अच्छा सा हाइड्रेशन भी दिखाई पड़ने लगेगी और हेयर फॉल बिल्कुल कम हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जाइए इस रेमेडी को जरूर ट्राई कीजिए एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का 100% आंसर करूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।